नमस्कार, आप देख रहे हैं YIS न्यूज। रामपुर में भाजपा प्रत्याशी आकाश सक्सेना ने निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारी को लिखा पत्र। निर्वाचन आयोग के RP एक्ट की धारा 16 का हवाला देते हुए सपा नेता आजम खान का नाम मतदाता सूची से काटने का किया आग्रह। निर्वाचन आयोग के RP एक्ट की धारा 16 के तहत सजायाफ्ता अपराधी को वोट देने के अधिकार से वंचित किए जाने का प्रावधान है। 27 अक्टूबर को रामपुर की MPMLA कोर्ट द्वारा आजम खान को हेट स्पीच मामले में कोर्ट ने सुनाई थी 3 साल की सजा। मुकदमा अपराध संख्या 185/2019 थाना मिलक पर धारा 153(5)(1) और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125 के तहत मुकदमा है दर्ज। भाजपा प्रत्याशी आकाश सक्सेना ने SDM सदर और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को पत्र लिखकर आजम खान के वोट देने का अधिकार समाप्त होने की मांग की। भाजपा प्रत्याशी आकाश सक्सेना के पत्र को लेकर निर्वाचन आयोग ने संज्ञान लेते हुए जारी किया आदेश। आजम खान का वोटर लिस्ट से कटा नाम अब अपने मत का प्रयोग नहीं कर सकेंगे। आजम खान मैं ही रुक जाओ, ही 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 रुक जाओ, ही जाओ। बही ही इधर इधर मैं थोड़ा सा जगह दे दूँ, थोड़ी सी जगह जी। आज हम का वोटर लिस्ट से नाम काट दिया गया है, क्या मामला था? ये 10 तारीख को निचली अदालत ने, रामपुर ने, आजम खान को आचार संहिता के मामले में 153(a) के तहत कार्रवाई करते हुए उनको 3 साल की सज़ा दी थी। हमने 11 तारीख को ही ये मांग की थी कि चूंकि सज़ा याफ्ता मुजरिम का नाम वोटर लिस्ट से हटाया जाना चाहिए, तो हमने मांग की थी और हमने कहा था कि RP एक्ट की धारा 16 के तहत वो नाम को काटा जाना चाहिए। तो उसी के तहत ही संभवतः ये कार्रवाई की गई है, जो कि आज इनका जो नाम है वो वोटर लिस्ट से वो काटा गया है। तो आप आजम खान वोट नहीं डाल सकते? अपने कर्मों की सज़ा भुगत रहे हैं, तो जब वोटर लिस्ट में नाम अगर नहीं है तो वोट तो कैसे डाल पाएंगे?